की देखभाल के लिए 18 टिप्स। नंबर एक, सबसे पहले कपड़ों को धोने के लिए हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें, इससे कपड़े अधिक समय तक चमकदार बने रहेंगे। नंबर दो, सफ़ेद कपड़ों को कभी भी रंगीन कपड़ों के साथ न धोएं। नंबर तीन, रंगीन कपड़ों को एक दो घंटे से ज़्यादा डिटर्जेंट में ना भिगोएं। कॉटन के कुछ कपड़े रंग छोड़ते हैं, ऐसे कपड़ों को दूसरे किसी कपड़े के साथ ना धोएं। नंबर चार, सिल्क, बनारसी, एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले फैब्रिक को घर में धोने से बचें, इनके लिए ड्राई क्लीनिंग ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। नंबर पाँच, काले रंग के कपड़ों, खास तौर पर ब्लैक जीन्स को सभी कपड़ों से अलग धोएं, क्योंकि काले रंग के कपड़े काला रंग छोड़ते हैं। नंबर छः, अगर आपको ऊनी कपड़े धोने हैं तो ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि ऊनी कपड़ों को गर्म पानी में बिल्कुल ना धोएं। ऊनी कपड़ों को वॉशिंग मशीन के ड्रायर में सुखाने से बचें, इससे ऊनी कपड़े ढीले हो जाते हैं। नंबर आठ, कोशिश करें कि कपड़ों को वॉशिंग मशीन में अधिक ना धोएं, इससे कपड़े डैमेज, स्ट्रेच्ड और रफ होने लगते हैं। नंबर नौ, रंगीन कपड़ों को खास तौर पर बहुत अधिक तेज़ धूप में ना सुखाएं, क्योंकि इससे कपड़ों का रंग उड़ने लगता है। नंबर दस, कपड़ों का रख रखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूरी है कि आप कपड़े को उसके फैब्रिक और ज़रूरत के अनुरूप रखें। नंबर ग्यारह, कपड़ों को हमेशा आयरन करके रखें, लेकिन सभी कपड़ों में आयरन करने का ढंग अलग होता है, जैसे कि कॉटन और सिल्क फैब्रिक पर हैवी आयरन की ज़रूरत होती है, तो शिफॉन और जॉर्जेट में हल्के आयरन की ज़रूरत पड़ती है। सभी फैब्रिक के लिए उनके अनुरूप अलग अलग टेम्परेचर पर आयरन करनी चाहिए। नंबर बारह, कपड़े सही रहें, इसके लिए वार्डरोब की सही सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों को प्लेन कपड़ों से अलग रखना चाहिए। नंबर तेरह, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों की मेंटेनेंस थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके रखरखाव पर खास ध्यान दें, जैसे कि दो या तीन एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस एक साथ रख रही हैं तो आप उन सभी के बीच में बटर पेपर लगा कर रखें, हो सके तो ऐसे महंगे कपड़ों को अलग अलग क्लोथिंग बैग में रखें। नंबर चौदह, इसके अलावा बनारसी फैब्रिक को भी अन्य फैब्रिक से अलग किसी कपड़े के अंदर बांध कर रखें, ताकि उसके काम की चमक बनी रहे। नंबर पंद्रह, एक्सपेंसिव यानी महंगे कपड़ों को घर में धोने की बजाय ड्राई क्लीन कराएं। नंबर सोलह, वेलवेट फैब्रिक अक्सर लोगों से आयरन करते समय जल जाता है, क्योंकि उसे कभी भी डायरेक्ट आयरन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हल्का कॉटन का फैब्रिक रखकर आयरन करना चाहिए। नंबर सत्रह, कॉटन फैब्रिक के कपड़ों को आयरन करने के बाद हैंगर में टांग कर रखें, ताकि उस पर सिलवटे ना पड़ें, और ऊनी कपड़ों को आप फोल्ड करके रखें, उन्हें हैंगर में ना टांगें। नंबर 18, कपड़ों में रोएं आना एक बड़ी समस्या है, खास तौर पर ऊनी कपड़ों में, तो उसे हटाने के लिए आप रेज़र या प्लकिंग की सहायता ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।